सो हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो देखो भाई, अब आपके पास 9 दिन बचे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो एक 9 दिन का मैं एक मैराथन जैसा मैंने बनाया है आपके लिए, ताकि आप प्रिपेयर कर पाएँ अच्छे से। देखो, आपका लास्ट एग्ज़ाम कैसे गया, अच्छा गया बुरा गया, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको फोकस करना है मैथ्स में, है ना। आपको अगर 45% किसी सब्जेक्ट में आ रहा है लास्ट वाले एग्ज़ाम से, उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। आपको 9 डेज़ का मैराथन अभी आपको करना है। एक्चुअली मैं लेट हो गया, कल शाम को ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। मैंने आज का दिन जो मैंने इंक्लूड किया है, उसमें मैंने बहुत ही लाइट चैप्टर्स रखे हैं, ताकि आपका मोटिवेशन बूस्ट हो और ऐसा ना लगे कि आप नहीं हो पाएगा। और जो शायद 2 से 3 दिन बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो वैलिड होगा। कैसे, वो मैं वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताते रहूँगा। तो लेट्स डिग इन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, ताकि मुझे बताने में भी इजी हो और टाइम भी थोड़ा सेव हो। तो देखो भाई, ज़्यादातर बच्चे जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि मार्क्स सर, यहाँ पे मैथ्स का पेपर बहुत ही लेंथी होता है और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता हमसे। देखो, मैंने भी जब बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था, मेरे साथ भी मैथ्स का यही प्रॉब्लम हुआ था, और मैं मैथ्स में बहुत वीक था। पर अभी मुझे लगता है कि मैं तब मेरा मतलब ढंग से मैंने अप्रोच नहीं किया मैथ्स के पेपर को, तो इसलिए मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था। तो आपके केस में ये नहीं होगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी आपसे हो सकता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन सेक्शन वाइज अगर मार्क्स देखें, तो अपना अगर मार्क्स सेक्शन ए में देखें, तो ये बहुत ही स्कोरिंग वाला सेक्शन होता है एक्चुअली में, जहाँ पे आपके 10 MCQs होते हैं, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, और 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो आपके 20 क्वेश्चन के लगभग होता है, और वो एक मार्क हर एक क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और आपका 20 मार्क्स यहाँ पे आ जाए। जिन बच्चों को ऐसा है कि वो सिर्फ पास भी होना चाहते हैं, तो आपको इस सेक्शन में तो आपको ढंग से और एकदम तगड़ी मेहनत करके जानी है। नेक्स्ट अपना आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में अपना होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप कैसे जो छोटे छोटे आपके जो इंटीग्रल्स के क्वेश्चन आपके जो बनते हैं या बन सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में बनने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। और यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, और जहाँ पे 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा, तो वो आपके कंस्ट्रक्ट करेगा 12 मार्क्स, ठीक। उसके बाद अपना आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में स्लाइटली लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, जहाँ पे आपके आधे पेज के बराबर आपका आंसर्स आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और उसका भी 6 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 4 मार्क्स कंस्ट्रक्ट करेगा, और आपके 24 मार्क्स आपको वो दे के जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको अगर ऐसे लगे कि नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है और ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, देखो भाई ये 6 क्वेश्चंस है। अगर मैं 6 क्वेश्चंस को अगर मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है, पहला वाला सेक्शन जो MCQs और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो 20 मार्क का मेरा दे के जा रहा है 20 क्वेश्चन, क्या मैं इसको मैं आधे घंटे में कम्प्लीट कर सकता हूँ मैं आधे घंटे में? तो इसको मैं 30 मिनट्स में लिख के दे रहा हूँ इसको मैं टाइमिंग। फिर मैं अगर सेक्शन बी में जाऊं, यहाँ पे मुझे 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के, क्या मैं इसको भी मैं 30 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ? जी सर, मैं कर ही सकता हूँ। चलो भाई, ये 1 घंटा मेरा हो गया, क्या मैं इसको मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर। क्या इसको भी मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर। और ये मैंने एक रफ आइडिया लिया है, आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके 20 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप्स के लिए बचा के रखना है। मैंने यहाँ पर ये ट्राई किया है कि आपका जो है ना, ये दोनों में मैंने सेम आवर्स दे के रखा है, पर आपको इस तरीके से करना है कि ये तो आपके मिनिमम होना ही होना चाहिए, आपको इससे कम टाइम में आपको ख़त्म करना है, ये आपका एम होना चाहिए। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो 6 मार्क्स ईच का होगा और 24 मार्क्स आपको दे के जाएगा। अगर इनकेस आप ये वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दें। ऐसे नहीं कि एक सेक्शन से ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद दूसरे सेक्शन में मैंने जंप किया और उसका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ऐसे नहीं। इसमें इंडिविजुअल लेटर भी गुस्सा हो जाता है, और वो फिर आपके लिए अच्छा मतलब एक इंटेंशन नहीं रखता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, कि जो मैं अभी इसके बाद जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूँ, उसमें आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको तो देखो भाई, जो भी बुक हो ना, उसको साइड करके NCERT अभी सिर्फ सॉल्व करो, सिर्फ NCERT, मेरा बात मानो, सिर्फ NCERT। और NCERT में भी आपका जो थ्योरी पोर्शन है, आपका क्या है थ्योरी पोर्शन जो है ना, ट्राई करना है कि वो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, और बाकी टाइम में बस क्वेश्चन सॉल्व करो।
थ्योरी आपके जो क्वेश्चंस में आ सकता है, जैसे कि कोई किसी का थ्योरम हुआ, डेरिवेशन हुआ, उस तरीके के थ्योरी को आपको बार बार एक दो बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, 2 से 3 बार। और थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, आपको बस 2 से 3 घंटा आपको थ्योरी पोर्शन में देना है, बस एनफ है। उसके बाद आपको जो मस्ट डू चीज़ जो है इसमें वो है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, और उसमें सारे एग्जाम एक्सरसाइज तो आपको करने ही है, पर एक्सरसाइज में क्या है कि कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी है। तो उसमें जो आप मिसलिनियस एग्जाम्पल्स करोगे और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज भी जो आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी भी है, उसमें आप सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा हो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन देखो, और उस क्वेश्चन को ना आप ऐसे करके स्टार मार्क कर दो। अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये आपसे बिल्कुल ही नहीं हो पाया, उसको 3 स्टार दे दो। अगर आपको हो पा रहा है पर फिर भी आप थोड़ा डाउटफुल हो, 1 स्टार। अगर आप एवरेज सर ले रहे हो तो 2 स्टार। ऐसे करके आप मार्किंग करके चलो। मैंने भी ऐसे ही मार्किंग करके किया था, बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये बताऊंगा मैं आपको क्यों आपको करना है लास्ट में, कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, उसमें लास्ट डे में मैंने इसी क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करने के लिए बोला बनाया है। आपके मार्क्स मैथ्स में मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मेरा ये ट्रिक आप अगर फॉलो करते हो तो 60+ तो आपका पक्के हैं आउट ऑफ 80, फिक्स है फिक्स, अगर मेरा ये वाला चीज़ आप फॉलो करते हो तो। ये मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ, क्या गारंटी दे के मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। अब इसमें दूसरी चीज़ देखो, मार्क योर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बोला कैसे आपको मार्क्स क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको राइट एंड प्रैक्टिस, ये तो मैथ्स के लिए भाई एक रामबाण है कि आपको लिखो और प्रैक्टिस करो उसको, है ना। जितनी बार आप लिखोगे उतना आपका माइंड में बैठते जाएगा। थियोरिटिकल में जो आपके डेरिवेशन है तो आपको पक्का ही पक्का लिखना है, क्योंकि आप भूल ही जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो अब ये वो बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और वो प्रैक्टिस करके लिख लिख के। फिर आपका रेफरेंस बुक, आपको जो आपने पूरे साल फॉलो किया था सिर्फ उसी को रेफरेंस बुक को यूज़ करना। और अगर आपने रेफरेंस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स भी किए हुए थे, ऐसे कर कुछ कर, कुछ लड़के लिखते हैं, तो सिर्फ उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करें, पूरे बुक ना करें ये वाली पॉइंट। और जो रेफरेंस बुक पूरे साल में यूज़ नहीं किए हैं, तो ये आपके लिए तो ये है ही नहीं, और आप बहुत अच्छे हो, किस्मत वाले हो कि आपने रेफरेंस बुक को यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको है ना NCERT एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है इस दिनों। तो आपको क्या करना है, आप अगर मैंने मान लिया आपने इंटीग्रेशन आपने चालू करवा दिया, है ना, मैंने आज इंटीग्रेशन उठा लिया, इंटीग्रेशन का मैं पहले थ्योरी पढ़ लिया 1 से 2 घंटे, चलो 1 से 3 घंटा मैंने थ्योरी पढ़ लिया, फिर 2 से 3 घंटा मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया NCERT के, फिर मिसलिनियस मैंने सॉल्व कर लिया, फिर NCERT एग्जाम्पल सॉल्व किया, फिर मैंने सैम्पल पेपर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो सॉल्व कर लिया। सैम्पल पेपर्स आप, मेरा मानना है कि वो आपका पास्ट ईयर पेपर्स ही होने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। मैंने ऑल दो इसका डिफरेंट लिखा है, पर आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स पेपर सॉल्व करने ही चाहिए, ये चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए। तो बस इतने चीज़ आपको फॉलो करनी है, तो आपका जो रिजल्ट का जो गारंटी है ना, मैं आपको दूंगा 110%, 110% आपको मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट का गारंटी मेरा रहेगा, अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं टाइम टेबल में अपना। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं टाइम टेबल, मैंने आज का डे को इंक्लूड किया है, 8 तारीख जो है आज, आज का डेट मैंने इंक्लूड किया है इसमें। कोई डरने की बात नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगी, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। मैंने इजी चैप्टर लिया है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन। अगर आपसे ये एक भी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैंने वो लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व करो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन पहले दिन में ये आपका सॉल्व होगा। फिर आपका डे 2 में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर आपका डे 3 में इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और फिर डे 4 में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ लग सकता है कुछ बच्चों को, और वो बोलेंगे कि सर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक दिन में डाल दिया और प्रोबेबिलिटी भी एक दिन में डाल दिया, दोनों हार्ड चैप्टर्स। भाई ये समझो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन उतना टफ नहीं होता, आप बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक बेसिक पढ़ के जाओ, आपके आराम से मार्क्स आएंगे। आपको डरने की बात नहीं, आपको टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं CBSE में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देखना है, सैम्पल पेपर्स 2-4 सॉल्व करने हैं, और आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मिसलिनियस और एग्जाम्पलर, काफ़ी है भाई, काफ़ी है इतना। तो ये आपके, और आपका
मेन बात पता है क्या है, डे फोर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं मेजोरिटी चंक ऑफ कैलकुलस। अभी आपको मैंने एक स्लाइड दिखाया नहीं है जो आपका चैप्टर वाइज मार्क्स ब्रेकअप है, तो अगर मैं उसको पहले दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हो चैप्टर वाइज मार्क्स ब्रेकअप में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से 8 मार्क्स का आपका पक्का से पक्का बनते जा रहा है, अलजेब्रा से भी 10 मार्क बन रहा है, कैलकुलस से भी 35 मार्क, और जो मेजोरिटी चंक है और उसमें 5 चैप्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं इसमें कैलकुलस में, वैसे आपका वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, और आपका टोटल मार्क्स ऐसे 80 बनते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने टाइम टेबल को मैंने इस तरीके से बनाया कि आपका जो डे फोर है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं फोकस कर दे रहा हूँ। ओके, तो आपका जो डे फोर तक आप देख सकते हैं कि आपने डे फोर तक मेजोरिटी ऑफ जैसे 35 और इनवर्स ट्रिगो और वो सब में से 8 से 10 मार्क, मतलब 45 मार्क्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 45। तो समझ रहे हो आप कितना एडवांस चल रहे हो, तो आपको मोटिवेट रखना है इस तरीके से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ऑलराइट, फिर अपना डे फाइव और डे सिक्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एक दिन में, आपको आराम से करना है भाई। आपको अगर दो चैप्टर है ना, मैंने दो दो चैप्टर हर में दिया है, तो आपको मॉर्निंग का एक शिफ्ट बना देना है और एक इवनिंग का, आफ्टरनून वाला आपका मिड लाइन होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून से पहले आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है, इवनिंग के बाद एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है, फिर आराम से आप मौज करो। और उसके बाद आपको डे सिक्स में 3 चैप्टर अब मैंने डाला है क्योंकि बहुत इजी इजी चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन जो मैंने पहले दिन में भी डाला था, लीनियर प्रोग्रामिंग और मेडिसिन डिटरमिनेंट्स। आपको अगर डे वन में भी अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो आपको इधर कर देना है। मैं जानबूझ के ऐसे किया था ताकि डे सिक्स में मुझे लग रहा था कि थोड़ा इजी चैप्टर्स है, तो मैं क्योंकि मेरे से गलती हुई थी तो वो मैं रिलेशन एंड फंक्शन को मैंने इधर ले आया। अगर आप नहीं हो पा रहा आपसे एक दिन में रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने डे वन में लिखा था, तो आप उसको डे सिक्स में ले आ सकते हो, ठीक है। फिर अपना आता है डे सेवन, राइट, आपका डे सेवन आता है, तो डे सेवन का भाई देख लो एक मिनट, राइट, तो डे सेवन का बात अपना आता है। डे सेवन में आपको आपने डे सिक्स तक आपने सारे सिलेबस आपने कवर कर लिया है, अब आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, और सैम्पल पेपर 1, 2 और जो 3 लिखा है ना मैंने, सैम्पल पेपर 1, 2 और 3 जो आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, वो 2019 के पेपर, 2018 के पेपर, 2017 के पेपर, ये 3 आपके सैम्पल पेपर होने चाहिए इन तीनों का, वो भी टफेस्ट वाला जो सेट हो ना वो वाला आप पिकअप कर लेना। मैं आपको ये सब के चीज़ मैं कल एक वीडियो बना के मैं आपको PDF दिलवा दूंगा, ये तीनों सैम्पल पेपर जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल का पेपर आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर से जनरली डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैसे बुक वन का फुल रिवीजन आपको करना है, फुल रिवीजन मतलब बुक वन मतलब NCERT का पूरा रिवाइज करना है आपको, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको 3 घंटे में देना है, वो भी 10 से 1 का स्लॉट में, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का स्लॉट में आपको देना, जो आपका एग्जाम टाइमिंग होगा उससे आपका एग्जाम टेम्परमेंट भी डेवलप होगा। उसी तरीके से आपका सैम्पल पेपर 2 आपको सॉल्व करना है, और बुक 2 का मतलब है मेरा NCERT एग्जाम्पलर, और अगर NCERT एग्जाम्पलर पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम बच रहा है तो फिर से आप NCERT को रिवाइज कर लें। फिर से यहाँ पे लास्ट से पहले वाले दिन में आपको सैम्पल पेपर 3 को सॉल्व करना है, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने NCERT मेन बुक में और NCERT एग्जाम्पलर में आपको जो मिला था वो आपको देखना है, और आपका फाइनल डे मैच डे, और उसको आप फोड़ दो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मैं ये समझता हूँ कि आप आराम से ये क्रैक कर सकते हो, है ना, बहुत ही ईजिली आप मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और मुझे आप में कॉन्फिडेंस भी है, और प्लीज़ आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ईजिली कम्प्लीट हो सकता है। अब मुझे आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना है, स्पेशल अनाउंसमेंट जो क्रैश कोर्स मैं अपन ला रहे हैं JEE Main के लिए April 2020, और ये जो है ना कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 120-360 में से प्लस मैं दिलवा के रहूँगा, अगर आपने सिर्फ NCERT पढ़ के रखा हो तो। अगर आप नहीं भी पढ़ा हो तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा मेरा जो कोर्स डिज़ाइन होगा वैसे ही करते आना, और YouTube में ही रहेगा पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें,
और थैंक यू। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मैथ्स में बहुत ही फोड़ के लाओगे, और आपको मैं आंसर शीट्स भी प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चंस, और आने वाले जो 5-6 दिन है मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सो दिस इज़ रितिक।